Meet me here at this time tomorrow. There's something you need to know. I got used to see you as a friend, but deep inside there's something else. अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम बैक क्या हालचाल है आप सबके दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो तो यहाँ पे ना अभी एक तो कपड़े सारे बिखरे हुए हैं क्योंकि ये ड्राई अभी नहीं हुए थे और उसके साथ मौसम जो है ना वो मैं बार बार देख रही होती हूँ कि शायद धूप निकल आए लेकिन यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं मुझे ना कमेंट्स भी आ रहे थे कि आजकल आप वॉक पे नहीं जा रही हैं वॉक क्यों नहीं हो रही पहली बात तो ये कि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी काफ़ी दिन से अब वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है मुझे दूसरी बात ये कि इतनी बारिशें हो रही हैं इतनी बारिशें हो रही हैं आई थिंक मुझे तो लगता है कि एक दो महीने हो गए हैं मुसलसल बारिश ही बारिश है और दिन रात बारिश रहती है तो उसमें जो है ना वो वॉक वैसे तो आप काम के लिए चले जाते लेकिन उस तरह से मज़ा नहीं आता जो आप वॉक करते हैं और आपकी बॉडी वार्म होती है और आप इंजॉय करते हैं तो वो इन शाला तला बस ये एक दो महीने खैर से गुजर जाएं फिर उसके बाद जो है ना दोबारा रूटीन स्टार्ट होगी तो यहाँ पे मैं कुछ ढूंढ रही थी जो कि मुझे नहीं मिल रहा था और मैं ये देख रही थी कि मैंने किस बैग में रखे और ये काफ़ी ऊंची जगह है तो मुझे उछल उछल के देखना होता है लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जब मैं बाहर से आती हूँ तो बैग्स यहाँ पे रख देती हूँ और बस आपको बताया था कि मेरे घर में थोड़ा सा इशू है तो इसलिए चीज़ें जो है ना वो इस तरह से सेट नहीं होती हैं मुझे जहाँ पे लगता था कि ये जगह सेफ़ है इन चीज़ों के लिए तो वहाँ पे मैं रख देती थी लेकिन खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुज़ारा जो है ना वो अच्छा हो गया और अभी भी हो रहा है तो यहाँ पे मैं जो ढूंढ रही थी वो मुझे नहीं मिला और उसके साथ कपड़े चीज़ें सारे जो बर्तन थे वो मैं समेट रही थी उस्मान की जो टेबल है जो कि आज वो भी बड़ी कम यूज़ कर रहे हैं तो उस पर काफ़ी सारी चीज़ें बिखरी हुई थी और जो मेडिसन्स थी और ये सारी चीज़ें वो भी बिखरी हुई थी तो उनको मैं सेट कर रही थी यहाँ पर कपड़े जो है ना वो कुछ ड्राई हो गए थे और जो मैंने अभी डी ह्यूमिडिफायर लिया है तो इससे ये है कि नमी अब काफ़ी कम रहती है विंडोज़ भी ठीक रहती हैं हाँ ये है कि आपको जैसे मैंने बताया इन दिनों में बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं और यहाँ पे आई थिंक ये मसला तो हर जगह पे है कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है लेकिन आजकल बारिशों की वजह से ये काफ़ी प्रॉब्लम है तो इस वजह से ये ज़्यादातर मैं ऑन रखती हूँ और कपड़े भी अब ड्राई हो जाते हैं हाँ ठंड होती है ना तो उससे आपको ऐसे नमी सी फील हो रही होती है तो मैंने यहाँ पे रख के और इसमें एक फंक्शन है जो कि आपके कपड़े भी ड्राई कर देता है तो वो मैंने ऑन कर लिया और ये मैंने इस तरह से बस रख लिए ताकि इनकी नमी ख़त्म होगी तो मैं इनको तह करके रख लूँगी तो जब ये फिर ड्राई हो जाएंगे इनको रख लूँगी फिर उसके बाद जो है ना मैं बाकी लॉन्ड्री करूँगी और मशीन में कपड़े डालूँगी और कोई ऑप्शन मेरे पास है नहीं इस वजह से मैंने ये लिया था और आई थिंक ये काम कर रहा है क्योंकि काफ़ी सारा पानी जो है ना वो इसमें जमा हो जाता है तो दिन में मैं दो बार तीन बार इसको फिर मैं चेंज कर लेती हूँ पानी गिरा देती हूँ तो ये है कि ये एक फ़ायदा मुझे हो गया है और इन शाला तब देखूँगी अब आगे क्या करना है आप सब ने मुझे बहुत अच्छी सजेशंस दी थी तो वो भी मेरे बहुत काम आती है और इसका भी मुझे जब से मैं आई थी सब ने कहा था तो इस वजह से ये भी लेना बहुत ज़रूरी हो गया था और साथ साथ बस कपड़े कुछ मैंने रख दिए कुछ मुझे लग रहा था हल्की सी नमी है तो वो भी मैं इस तरह से फैला के रख रही थी और थोड़ी देर के बाद इनको भी मैं तह करके रख दूँगी उसके बाद मैं यहाँ पे आके और अपना काम कर रही थी वीडियो मैं एडिट करती हूँ काफ़ी टाइम लगता है अभी भी मुझे स्टिल काफ़ी घंटे लगते हैं क्योंकि मैं काफ़ी आराम से तसली से इंजॉय करते हुए अपना काम करती हूँ और यूट्यूब पर आप जब आते हैं ना तो आपको तभी मज़ा आता है अपना काम जब आप इंजॉय करते हैं अदरवाइज़ यहाँ पे कभी भी फिर आपका दिल नहीं लगता और आप बहुत जल्दी जो है ना वो फेडअप हो जाते हैं छोड़ देते हैं और डिसहार्ट हो जाते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने काम को इंजॉय करें मज़े से करें तो फिर आपको भी बड़ा मज़ा आता है तो इसलिए बेशक टाइम जितना लगे जितने घंटे लगे लेकिन मैं जब वीडियो एडिट करती हूँ तो मैं आराम से चाहे थोड़ी थोड़ी देर करूँ चाहे बैठ के घंटों करूँ लेकिन मैं पूरा टाइम लेती हूँ अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी खाना आज खाना मैंने थोड़ा सा जल्दी बना के रख लिया था अच्छा मैंने ये लिए हैं जो ब्राउन किए हुए प्याज होते हैं ना फ्राइड ऑनियन जो मिलते हैं पैकेट में वो मैंने डाले हैं इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और साबित गरम मसाले डाल दिए उसके बाद जो है ना थोड़ा सा पानी डाल के और चने मैंने बॉईल करके रखे थे चने मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ मेरे घर में बॉईल किए हुए जो है ना वो रहते ही हैं ज़्यादातर क्योंकि हम दोनों को काफ़ी अच्छे लगते हैं कभी नाश्ते में बना लिए कभी वैसे खा लिए तो कोशिश मेरी होती है कि मैं इस तरह के बीन्स जितनी चीज़ें हैं ना वो मैं रख देती हूँ बॉइल करके या फिर डेली या एक दिन छोड़ के मैं बॉइल करती हूँ फ्रिज में रख देती हूँ फ्रीज़र में अब जगह इतनी नहीं है तो इसलिए फ्रीज़र में मैं नहीं रखती मैं कोशिश करती हूँ कि किचन में या फ्रिज में रख देती हूँ अच्छा जी इसमें मैंने सबित मसाले डाले उसके साथ अभी मैंने मसाला पाउडर डाल दिए जितने भी होते हैं जैसे नमक मिर्च और उसके साथ हल्दी पाउडर धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा पिसा हुआ गर्म मसाला बस उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा भून के और पानी डाल दिया तो ये मैं इसलिए फ़्राइंग पैन में बना रही हूँ अभी मैंने राइस बनाने हैं और मैं काफ़ी दिन से नहीं बना रही थी क्योंकि उस्मान का ना चेस्ट बहुत ज़्यादा ब्लॉक हुआ हुआ था और उसमें राइस जो है ना वो थोड़े से अवॉइड करते हैं तो मैं नहीं बना रही थी अभी उनकी थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई थी तो मैंने सोचा चलो मैं राइस बना लेती हूँ और इंसान आपको पता है कितनी रोटी खाए और कितना इस तरह की चीज़ें रेगुलर वही रिपीट करता रहे तो आज मैंने कहा चलो राइस के वो बहुत ज़्यादा शौकीन है माशाल्लाह से उनको बहुत अच्छे लगते हैं किसी भी टाइप के और चने वाले तो उनको बहुत पसंद है तो मैंने कहा चलो मैं ये बना लेती हूँ पहले मैं बॉईल कर रही थी मैंने कहा बॉईल किए हुए बना लेती हूँ फिर मैंने कहा चलो बिल्कुल ही हल्के मसाले वाले और बहुत ही कम ऑयल के साथ कम मसालों के साथ मैं इस तरह से पुलाव टाइप का बना लेती हूँ और मैं ये राइस कुकर यूज़ कर रही हूँ अच्छा इसके बारे में मुझे पहले भी क्वेश्चन आए थे और मुझसे पूछा था कि जिनके पास ये वाला मॉडल है उन्होंने पूछा था कि ये वाला है या इस टाइप के हैं कि ये जो है ना इसमें राइस चिपक जाते हैं बॉटम पे जो है वो लग जाते हैं इस तरह से एक्चुअली मैंने इस पर ना बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं क्योंकि जब मैं आई थी तो मैंने स्टार्टिंग में ये ले लिया था लेकिन पहले जब मैं बनाती थी ना तो मेरे भी राइस हमेशा लग जाते थे नीचे से ख़राब हो जाते थे कभी किस तरह कभी किस तरह तो अब जाके मुझे इसमें सही प्रॉपर तरीका समझ में आया है कि इस तरह से जो है ना वो इसमें सही बनते हैं और अब आप देखिएगा आगे कि आज बहुत ही मज़े के राइस बने थे और ये देखें बस मैंने इसमें पानी डाल दिया मैंने दो कप लिए थे ये जो कप होते हैं इसके साथ ही मिलते हैं राइस कुकर के साथ दो कप मैंने राइस लिए थे और उसके साथ मैंने तीन कप पानी इसमें डाला क्योंकि राइस मैंने काफ़ी देर भिगोए थे तो इस वजह से वो ऑलरेडी सॉफ्ट हो गए थे तो राइस की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ होती है कि राइस कुकर पे राइस की क्वालिटी पे इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है पानी आप उस हिसाब से डालते हैं और ये देखें ये मैं अभी काट के और इनको भिगो दूंगी सैलेड के लिए इतने प्यारे प्याज मुझे ये लग रहे थे ना और मुझे याद आ गया पाकिस्तान इनको देख के पता नहीं क्यों कभी कभी पाकिस्तान याद आ जाता है वैसे तो हर चीज़ पर आता है लेकिन जब मैं ये वाले सैलेड के लिए काटती हूँ या बनाती हूँ ना तो ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे पाकिस्तान में मिलते हैं अच्छा जी यहाँ पे आप देखें पानी ड्राई हो गया अब उसके बाद मैं यहाँ इसको दम लगाऊंगी और मुझे इस तरह का वैसे चना पुलाव बहुत अच्छा लगता है जिसमें टेस्ट अच्छा होता है और लाइट होता है बहुत ज़्यादा हैवी या डार्क नहीं बनता ना ये वाला बड़ा मज़े का लगता है और जैसे ही वार्म पे जाता है तो मैं यहाँ पे दम लगा देती हूँ और मैं एक टिश्यू पेपर या कोई भी फॉल और कुछ भी आप इस तरह से यहाँ पे लगा दें क्योंकि अब ये वार्म पे ही आप पंद्रह मिनट बीस मिनट रखते हैं तो बड़ा अच्छा दम आ जाता है इसमें हर तरह के पुलाव राइस बहुत ही अच्छे बनते हैं और इस वजह से जो है ना मैं जब जल्दी में होती हूँ या वैसे भी इसको मैं ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ हम दो लोगों के हिसाब से तो बहुत अच्छा है दो लोगों चार लोगों तो काफ़ी जो है ना वो अच्छे इसमें राइस बन जाते हैं साथ साथ बस मैं अभी सारे बर्तन भी वॉश कर लूँगी और सारे काम जो है ना वो मैं समेट लूँगी और मैं यहाँ पे आके बाहर देख रही थी कि कैसा मौसम है वैसे सर्दी तो है अभी आज सुबह भी मैं देख रही थी तो आ, सारी बर्फ़ जो है ना बाहर दोबारा से जमी हुई थी क्योंकि यहाँ पे वेदर कंपैरेटिवली ठंडा होता है तो दोबारा से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे ठंडा लग रहा था लेकिन हाँ जो पिछले दिनों ठंड थी ना जिस तरह की जो बहुत ही ज़्यादा थी उससे शुक्र है कि काफ़ी अब बेहतर है लेकिन जाहिर है अभी सर्दियाँ हैं अभी दो तीन महीने ये बहुत ठंड होगी उसके बाद इन शाह फिर वेदर बहुत अच्छा हो जाएगा और फिर ऐसा लगता है कि हर चीज़ दुनिया में बहुत ही अच्छी हो गई है और बड़ा अच्छा पॉजिटिव जो है ना आप अपने आप में चेंज फील करते हैं साथ साथ मैं यहाँ पे सैलड बना रही हूँ और बस कोशिश कर रही हूँ कि ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो कि लगी रहती हैं हर जगह पे आप जहाँ भी होते हैं चाहे पाकिस्तान में हो पाकिस्तान से बाहर हों कहीं भी हों आपको पता है घर के मसले या ये वाली प्रॉब्लम्स छोटी मोटी ये हर जगह पे लगी रहती हैं तो खैर कोशिश कर रही हूँ कि ये सारी सॉल्व हो जाए हाँ ये है कि हम पाकिस्तान के यूज़ टू हैं तो वहाँ पे हमें हर चीज़ का पता होता है वहाँ हेल्प बहुत मिल जाती है आपको कोई प्रॉब्लम होती है कुछ होता है आप बुला लेते हैं किसी ना किसी को तो आपको हेल्प मिल जाती है आपका काम हो जाता है यहाँ पर ये यह होता है कि आपको हर चीज़ खुद देखनी है ख़ुद करनी है और फिर नई जगह होती है ना तो थोड़ा सा आप देख के और चीज़ों को समझ के चल रहे होते हैं तो बस ट्राई कर रहे हैं अल्लाह ताला ख़ैर करे और आगे भी आसानियाँ करे हमारे लिए भी आपके लिए भी तो यहाँ पे उस्मान मुझसे पूछ रहे थे क्या बनाया है मैंने उनको कहा कि मैंने जो है चना पुलाव बनाया तो वो बड़े खुश हुए और वो मुझे जो है ना वो ये दिखा रहे थे कि जो मैं लेकर आया हूँ थर्मल लेकर आए थे तो ये थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है क्योंकि उस टाइम पर ले लिया था जल्दी में और साइज़ अवेलेबल नहीं थे तो वही दिखा रहे थे कि ये काफ़ी बड़ा है तो मैंने कहा चलें देख लेंगे फिर दोबारा जाके चेंज करा लेंगे अदरवाइज़ फिर इसी को जो है ना वो यूज़ करें तो सेलेड देखें कितना मज़े का जो है ना वो रेडी हो गया है और सैलेड देख के भी अच्छा लगता है और खा के भी ना बड़ा मज़े का लगता है वैसे मुझे यहाँ के जितनी सब्जियों की कदर हुई है ना वैसे भी मुझे अच्छी तो बहुत लगती थी लेकिन यहाँ के ना वाकई कदर आ गई है और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने राइस बनाए हैं आप ये देखिए इतने लाइट और मज़े के बने और चने जो है ना वो भी आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं किए थे लेकिन बहुत सख्त भी नहीं थे इस तरह से थे कि आप मुँह में रखें तो घुल जाते हैं तो चने की दाल में आप पुलाव बनाएं चने में बनाएं लोबिया में बनाएं इस तरह से तो वो आपके इस तरह देखने में साबित लगे और खाने में सॉफ्ट हो ना तो वो बहुत अच्छे लगते हैं तो आप ये देख सकते हैं कितने मज़ेदार जो है ना वो ये रेडी हुए हैं और अभी आपने देखा है उस्मान बड़े खुश हुए क्योंकि मैं काफ़ी दिन हो गए हैं बहुत दिन हो गए आई थिंक मैंने नहीं बनाए थे और वो मुझे जो है ना वो कह भी रहे थे बीच में कि बना दो मैंने कहा नहीं जब तक आप ठीक नहीं होते मैं नहीं बनाऊंगी ठीक हो जाए इन शाला फिर मैं बनाऊंगी तो मैंने कहा चलो आज मैं इस तरह लाइट से बना के देखती हूँ और फिर इन्जॉय करते हैं देखते हैं कि कैसा जो है ना वो रहता है तो ये देखें जी कितने मज़ेदार जो है ना वो रेडी हुए हैं ऑयल मैंने कम डाला है क्योंकि गले हमारे अभी तक पूरे प्रॉपर ठीक नहीं हुए इस वजह से ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं डाला और टमाटर भी इसमें मैंने नहीं डाले इसलिए ये आपको इतने हल्के से मज़ेदार लग रहे हैं टमाटर वाले जो होते हैं उनका अपना टेस्ट आता है लेकिन ये वाले जो है ना ये भी बड़े मज़े के बनते हैं सालन मेरे पास ना रखा हुआ था आलू गोश्त मैंने बनाया था तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो ये इसके ऊपर डाल के खा लेंगे और साथ जो है ना वो सैलेड भी मैंने बना लिया था और दही जो है ना वो तो हम खा नहीं रहे गले की वजह से इसलिए मैंने रायता नहीं बनाया अदरवाइज़ पुलाव के साथ मैं हमेशा रायता रेडी करती हूँ तो मैंने कहा चलो सालन है तो सैलेड के साथ जो है ना हम इन्जॉय करेंगे राइस कुकर का एक ये होता है बड़ी अच्छी बात होती है कि वन पॉट में आप कुकिंग कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा ये होता है कि बर्तन आपके इस तरह से गंदे नहीं होते और इजीली जल्दी भी हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर एक लाइक दिया करें थोड़ी सी एफर्ट होती है बल्कि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट होती है तो आप लोग जब लाइक करते हैं ना बहुत दिल खुश हो जाता है फिर मोटिवेशन मिलती है नए सिरे से कि फिर से ब्लॉग बनाए आपके साथ शेयर करें तो एक लाइक ज़रूर किया करें हमारे लिए बहुत बड़ी जो है ना वो एक अप्रिसन होती है तो बस जी अभी हम लोग खाना खा रहे हैं और उस्मान और मैं बस यहाँ पे पता नहीं किन बातों में बिज़ी हुए हुए थे सारे हाल हवाल जो है ना वो बस यहाँ पे हम लोग बांट रहे थे उस्मान जो है ना बस वो भी घर में थे काफ़ी दिन से क्योंकि उनको भी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गई है और उनका चेस्ट काफ़ी ब्लॉक हुआ हुआ था जिस वजह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम उन्हें हो रहा था लेकिन अलहमदल काफ़ी बेहतर है अब हम दोनों की तबीयत तो बस जी हम लोग खाना खाते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आपसे इन शाह कल मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़